हेलो दोस्तों, मैं हूँ पोलेन और आज मैं फिर से लेकर आई हूँ न्यूट्रलाइट का एक बेहतरीन प्रोडक्ट जो कि है बायोटिन चेरी प्लस। ये हेल्दी हेयर और नेल और स्किन के लिए स्पेशली बनाया गया है। आप पिक्चर में देख सकते हैं इस टैबलेट को, और इसका बहुत सारा बेनिफिट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम बात करेंगे स्किन प्रॉब्लम के बारे में। आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है, इसी वजह से हमको बहुत सारा स्किन का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, जैसे कि रिंकल्स हुआ, हमारा स्किन ड्राई हो जाता है, हमारे आँखों के नीचे कालापन आ जाता है, और बहुत सारा पिंपल्स हमें होता है, तो हमारे चेहरे पर बहुत सारे पिंपल आते रहते हैं। तो ये सारे बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम हमारे फेस पर आता है। जैसे कि एज से पहले हमको हमारे एज बहुत बड़ा दिखता है, तो ये सारे बहुत सारे प्रॉब्लम हमको आता है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो पिक्चर में, ये यंगर स्किन है और दूसरी तरफ ओल्डर स्किन है। तो आज हम कंपैरिजन करेंगे कि हमारे बायोटिन चेरी प्लस कैसे मदद करता है। देन आते हैं हेयर प्रॉब्लम। आज के डेट में हमारे बाल बहुत झड़ते हैं, हमारे बाल डैमेज होने लगते हैं, उनमें बाल टूटता रहता है, बहुत सारे हेयर का प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है, बाल का जो मॉइस्चराइजपन है वो भी चला जाता है। देन हमारे बालों को डैंड्रफ हो जाता है। इससे बहुत सारे बालों का प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो हमारे जो मेन कारण है हमारे हेयर फॉल का, वो जेनेटिक भी हो सकता है, हमारे बॉडी में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो सकता है, स्ट्रेस और पोल्यूशन की वजह से भी बाल झड़ते रहते हैं, हार्मोन इम्बेलेंस भी होता है, और एज के साथ साथ बाल प्रेगनेंसी की वजह से भी बाल झड़ते रहते हैं, और हम बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट यूज करते हैं, इसी वजह से भी बाल झड़ते रहते हैं, हमारे खाने का सिस्टम भी अच्छा नहीं रहता। ऐसे बहुत से कारण हैं जिसके वजह से हमारे बाल झड़ते हैं, और ये आज के डेट में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कम एज में बाल का वाइट होना भी बहुत एक बड़ा प्रॉब्लम है। देन आता है नाखून। नाखून हम पिक्चर में देखते हैं कि इस तरह से हमारे नाखून डेली बेसिस में ख़राब होते रहते हैं, हम जो काम करते हैं उसकी वजह से, विटामिन की डेफिशिएंस की वजह से। देन हम जो रोज़ तरह के काम करते हैं उसकी वजह से बहुत सारे के कारण होते हैं नाखून के ख़राब होने में, और ये नाखून में येलोपन भी आ जाता है और डार्कनेस आ जाता है, नाखून ख़राब होने लगता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, और इस सारे प्रॉब्लम का वन सॉल्यूशन आज मैं बताने वाली हूँ, जो कि है बायोटिन चेरी प्लस। और ये सारे प्रॉब्लम का एक बेहतरीन उपाय है, और इसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे स्किन और हमारे हेयर और हमारे नाखून को ठीक रखता है। तो बायोटिन चेरी प्लस का जो मेन सोर्स है वो बायोटिन ही है, और बायोटिन का बेनिफिट्स हम डिस्कस करेंगे। ये एक न्यूट्रिशन है जो कि हमारे हेयर और नेल और स्किन को ठीक रखता है, हमको डायबिटीज़ हमारे शरीर में ना रहे इसके लिए भी मैनेज करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को ठीक रखता है। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं बायोटिन के। अभी डिस्कस करते हैं हमारे शरीर में अगर बायोटिन की कमी होती है तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। हमारी स्किन ड्राई हो सकती है, हमारी स्किन इचिक हो सकती है, हमारे हेयर लॉस होता है, हमारे शरीर में एनर्जी लो हो जाता है, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें भी प्रॉब्लम आता है, हमारे जॉइंट्स पेन
हमें प्रॉब्लम होता है, जॉइंट्स पेन बहुत रहता है, नर्वस सिस्टम डैमेज होना शुरू कर देता है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हमको फेस करने के लिए मिलते हैं। तो न्यूट्रल बायोटिन चेरी प्लस में क्या दिया गया है अभी हम डिस्कस करेंगे। इसमें बायोटिन है, कोलेजन है, एस्ट्रोला चेरी जैसे हम पिक्चर में देख सकते हैं, और ग्रेप्स के सीड्स है, और ग्लिसाइल है जो कि हमारे हेयर नेल स्किन को हेल्दी रखने के साथ साथ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक रखता है, हमारे शरीर में इम्यूनिटी को भी बैलेंस रखता है। तो हम विस्तार में बात करेंगे कि बायोटिन क्या है। रिसर्च ने सजेस्ट किया है बायोटिन हमारे नेल्स और हेयर को ठीक रखने के लिए मदद करता है, और कोलाजिन जो है वो हमारे जो हेयर और नेल का जो स्ट्रक्चर है उसको ठीक रखने के लिए मदद करता है, और ग्रेप्स के सीड्स जो इसमें डाला गया है ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमको रोग प्रतिरोधक शक्ति देता है। देन है ग्लिसाइल जो कि हमारे हेयर और स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए मदद करता है। देन आता है एस्ट्रोला चेरी, इसका मेन इंग्रेडिएंट है जो कि हमारे शरीर में विटामिन सी देता है, हम सबको पता है। देन हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी ये मदद करता है, और हमारे स्किन में ग्लो लाने के लिए भी मदद करता है। तो हम बात करते हैं अभी बायोटिन में, हमें जो वेजिटेबल हम रोज़ खाते हैं या कुछ भी खाना खाते हैं उसमें कौन कौन से चीज़ में बायोटिन हम ले पाते हैं। देन फर्स्ट हुआ मशरूम, देन उसमें 16 mcg का बायोटिन होता है, देन बादाम, ओट्स, और ऐसे ही अंडे और धनिया और गाजर और वेलनट्स में, इन सब में बायोटिन होता है। हम देख सकते हैं उसके कितनी मात्रा में इसमें बायोटिन होता है, लेकिन ये सब कुछ सफिशिएंट नहीं होता डेली बेसिस में, जितने कि हमारे शरीर को चाहिए होता है बायोटिन डेली बेसिस में। तो हम उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और न्यूट्रलाइट्स बायोटिन चेरी के प्लस के बारे में बहुत कुछ आपको जानकारी मिला हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।